चान्हो थाना पुलिस ने PLFI उग्रवादी कृष्णा यादव की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने सफलता पाई। हथियार के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कार्रवाई कार्बाइन सहित जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और पुलिस ने उग्रवादियों की सूचना पर अपराधियों की गिरफ्तारी की है। अपराधियों से पूछताछ की जा रही है कि कितने दिनों से उग्रवादियों से इनका संपर्क है और कौन कौन से हथियार उग्रवादियों को सप्लाई की गई है। गिरफ्तार अपराधी कृष्णा महतो और बबलू सिंह पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ताकि पता चल सके कि उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले और कौन कौन से आपराधिक गिरोह हैं। अपराध कर्मी आप क्या कुछ बरामद किया? PLFI एरिया कमांडर कृष्णा यादव के जेल से फरार होने के बाद, बल्कि थाना कर सकते हैं, बालूमा थाना से फरार होने के बाद उस एरिया में खिलाड़ी चान्हो कुरमू वाला पैच में हमेशा DSP साहब के नेतृत्व में छापामारी होती रही। खिलाड़ी DSP अधिकारी में इसमें थानी है यहाँ पे इनके नेतृत्व में। कल ही एक सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णा करके अपराधकर्मी कार्बाइन के साथ कई बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए जा रहा था। तो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं थाना प्रभारी विवेक जी के नेतृत्व में DSP साहब ने टीम को फ्रेम किया। चोरिया मोड़ के पास गाड़ी की चेकिंग शुरू की है। वहीं पर पुलिस वालों को देखकर बाइक पर सवार दो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यंग हमारे अफसर हैं जो 18 बैच के लोग हैं और पुलिसकर्मी भी, हम लोगों ने जंगल में खदेड़ कर इनको पकड़ा और पकड़ कर जब तलाशी ली चुके, जब चेकिंग चल रहा था काफ़ी ग्रामीण लोग भी वहाँ उपस्थित हो गए थे, उनके समक्ष ही ये चेकिंग जब हुआ जबकि हुई तो उनके पास से ये देख रहे हैं देसी कार्बाइन 7.625 का और जिंदा कारतूस मिला। दो लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, बबलू सिंह और कृष्णा महतो जो जानो के रहने वाले हैं। लोकपुर में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तहकीकात के क्रम में आया कि कृष्णा यादव नहीं था बल्कि कृष्णा महतो करके आदमी है जो पकड़े गए हैं। अभी भी उनके विरुद्ध में जो कार्रवाई हम लोगों को चल रही है वो बाकी नहीं और तेज की जाएगी जब तक कि वो पुलिस के गिरफ्त में आ नहीं जाए। PLFI से जुड़े हुए लोग हैं कि? मैं तहकीकात कर रहा हूँ कि उनसे कितना इनका लिंक है। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि PLFI से कनेक्टेड हैं या TPC से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सब जो असलहा जो देख रहे हैं देसी कार्रवाई, ये आम आदमी आम किरला हाथ में रख नहीं सकता है। ये स्पेशल मेक ये आर्म्स बना हुआ है देसी है और ये कारगर बिल्कुल हम कह सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव देखने में लगता है। तो इसलिए उनका कितना संलिप्तता है उस पॉइंट बिंदु पर हम लोग जांच करके अनुसंधान के बाद ही बात सामने खुल के आएगी।